हल्का सा सा मेरे को प्रेशर चाहिए होता है, और ये मैं सीख गया। पहले ये मेरा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज दिन में दो दो बार तीन तीन बार कराता हूँ, तीन बार तो मेरी होती है। हालात चाहे जैसे भी हों, बस डटे रहो दोस्तों, क्योंकि वक्त आने पर खट्टे आम भी मीठे आम में बदल जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे बेड पर लेटे रहने के बाद में वेट कंट्रोल किस तरह किया जाता है। आप लोगों के क्वेश्चंस और कमेंट्स आते रहते हैं, कॉल आती रहती हैं कि हम लोगों का वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैंने कैसे अपना वेट कंट्रोल कर रखा है, मैं एक्स्ट्रा डाइट में कुछ लेता हूँ नहीं लेता, या मैं क्या करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। वो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कौन सी करता हूँ जिससे कि मेरा वेट कंट्रोल में रहता है। और क्योंकि मैं 9 साल से बेड पर हूँ और उसके बावजूद मैंने अपना वेट कंट्रोल कर रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा डाइट में कुछ लेता हूँ। नॉर्मल खाना जो आप लोग खाते हैं वही खाना मैं भी खाता हूँ, ऐसा एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं खाता, और जिसकी वजह से मेरे पेट में गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं। और पैरों में आप लोग शिकायत करते हैं कि अकड़न हो रही है, जलन हो रही है, गैस हो रही है, या फिर पैर कपकपा रहे हैं। देखिए, उन सब का रिलेशन हमारे खान पीन से ही है। हम जो खाना खाते हैं उससे ही हमारे उस चीज़ का रिलेशन है, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है। डॉक्टर तो एक टाइम मेरे एक्सरसाइज करा के चले जाते हैं, उसके बाद में मैं फिर 24 घंटे बाद दोबारा डॉक्टर से एक्सरसाइज का वेट करता हूँ। उससे पहले मैं 2 बार और दिन में एक्सरसाइज कराता हूँ अपनी वाइफ से। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं वो आगे आज मैं आपको बताऊँगा। तो आप भी वो वाली एक्सरसाइज करें, सर्वाइकल वाले हैं चाहे डी वाले हैं, वो वाली अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा, और नीचे के पोर्शन में यूरिन मोशन का आपका कंट्रोल भी आएगा, और वहाँ पे सेंसेशन भी आएगी, और वेट भी गेन नहीं होगा। तो आगे देखिए कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, और आप भी उसको ट्राई करिए। तो दोस्तों देखिए, एक ये मेरे पास ये भी जुगाड़ है, और ये मैंने फिंगर सीधी करने के लिए मंगवाया था, और इसको भी मैं बांध लेता हूँ कभी कभी जब मेरे पास टाइम होता है। इससे क्या है कि मेरी फिंगर खुल जाती हैं, क्योंकि मैं अपने नए व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को बताना चाहूँगा कि मेरा सर्वाइकल है C5 C6 7 है, और गर्दन में प्लेट लगी हुई है, और अभी इतनी रिकवरी है मेरी, ठीक है, अपर लिम में इतनी रिकवरी है। तो अभी फिंगर मेरी बैंड रहती हैं, वैसे सॉफ्टली खुल जाती हैं, बाकी मैं कुछ कर नहीं पाता उनसे, तो इसलिए मैंने ये मंगाया था, और इसको मैं बांध के रखता हूँ कभी कभी आधे घंटे के लिए एक फिंगर में, तो फिंगर मेरी सीधी हो जाती है। देखिए दोस्तों, आपने वेट लॉस करने के लिए जितने भी सर्वाइकल के या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं, आपने ये वाली एक्सरसाइज करानी है। इस तरह से पैर को आपने लगभग 20-25 बार या तो करना है या कराना है, जिससे क्या है कि बॉडी वार्म आउट हो जाएगी, और इससे आपके पैरों के अकड़न, जलन, भारीपन ये सब खत्म हो जाएगा। इन सारी एक्सरसाइज का जो रिलेशन है वो सारा पेट से है हमारे, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि बेड पर लेटे रहते हैं, इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो या तो खुद कर सकते हैं तो खुद करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पैरों में सेंसेशन भी है, मूवमेंट भी है, वो लोग कर सकते हैं, और जिनके नहीं है वो अपने किसी केयर इंटेगर से कराएं, जिससे भी वो कराते हैं। ये वाली आप हर स्टेप को आपने कम से कम 20-25 बार कराना है, जिससे कि पैर नॉर्मल हो जाएंगे। ये करानी है आपने, हल्के हाथ से करानी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट की हड्डी तोड़ दें। इस तरह से देखिए, इसका सीधा रिलेशन पेट से है। जब ये एक्सरसाइज आप कराएंगे तो सीधा ऑटोमेटिक आपसे पेट से कनेक्शन है इसका।
तो मैं ये वाली एक्सरसाइज जो है सारी एक्सरसाइज दिन में दो धीरे धीरे जैसे जैसे आप करेंगे इस एक्सरसाइज को तो ऑटोमेटिक ब्लड का सर्कुलेशन जब पैरों के अंदर चलेगा तो पैर नॉर्मल हो जाएंगे। इससे आपकी कमर के पीछे तक की मसल्स सारी एक्टिव होंगी, पेट की एक्टिव होंगी, हिप्स की एक्टिव होंगी और पूरे पैरों की होंगी। इससे पैरों में सेंसेशन भी आएगी। देखिए एक ही एक्सरसाइज के साथ में पूरी बॉडी जुड़ी हुई है। इसके गैस, कॉन्स्टिपेशन ये सब चीज़ें भी नहीं होंगी। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं हमारा पेट फूला रहता है, कमर में जलन होती रहती है, पैरों में जलन होती रहती है। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज रेगुलर दिन में दो बार भी करेंगे तो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और पैरों में सेंसेशन बहुत जल्दी आएगी। सेकंड नंबर पे ये वाली है, पैरों को ऐसे आपने ज़्यादा नहीं खोलना, धीरे धीरे खोलना है आराम आराम से और ऑटोमेटिक अपने आप खोलते चले जाएंगे। जैसे जैसे मसल्स एक्टिव होंगी अपने आप खोलते चले जाएंगे। जैसे लोगों के लिए कैथेटर भी लगा हुआ है तो कैथेटर भी और यूरिन पास नहीं होता है, तो होता क्या है कि यूरिन और मोशन के पॉइंट के पास की सारी मसल जो है वो अकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से यूरिन पास नहीं होता, गैस पास नहीं होती। आप ये एक्सरसाइज कराएंगे तो यूरिन भी स्लोली बहुत आराम से आपका पास हो जाएगा। फिर देखिए एक एक्सरसाइज ये है, धीरे धीरे पैर को आप ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और ऐसे लेके आएंगे। ये भी 20 से 25 बार आपने करनी है और कोशिश देखिए ये करनी है आप डॉक्टर से कराएं, फिजियोथेरेपिस्ट से या आप अपने आप करें। आपने कोशिश ये करनी है, अपना दिमाग बिल्कुल वहीं पे लगाना है कि मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो हो या ना हो, आपने कोशिश ट्राई करते रहना है। आप जब ऐसे कोशिश करेंगे तो आपके सीधा पेट के ऊपर प्रेशर आएगा और पेट की मसल्स एक्टिव हो जाएंगी। मेरा देखिए मेरा पेट लेटने के बाद नहीं बैठने के बाद भी इतना ही रहता है, जबकि मैं तो 9 साल से बैठ पर हूँ, 10वां साल मेरे को लग गया। तो मैंने वेट कंट्रोल कोई ऐसा नहीं कि कोई मैं दवाई खाता हूँ या फिर मैं खाना नहीं खाता, मैं सब चीज़ें खाता हूँ, सब चीज़ें यूज़ करता हूँ। बाकी क्या है कि मैं कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनसे मेरे को रिलीफ मिलता है, मेरे डॉक्टर्स ने बता रखा है और वो कराते हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि वेट हमारा बढ़ रहा है ज़्यादा, पेट में गैस बन रही है, पेट फूला रहता है। फिर आती है देखिए ये वाली एक्सरसाइज, एक पैर सीधा रखना है, एक पैर ऐसे खड़ा करके आपने आराम आराम से, ये भी 20 से 25 बार 30 बार आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इससे भी देखिए इन एक्सरसाइज से ही हमारे पेट के ऊपर फर्क आना, पेट के अंदर सेंसेशन आनी है और इन्हीं एक्सरसाइज से ही हमारा यूरिन और मोशन का कंट्रोल भी आना है। पहले सेंसेशन आएगी और सेंसेशन के बाद में कंट्रोल आएगा। आप ये वाली एक्सरसाइज करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। डेली आप दिन में 2 बार ये वाली एक्सरसाइज करिए, या तो खुद करिए या कराइए, ठीक है। करानी आराम आराम से है, कोई जल्दी नहीं करानी। स्टार्टिंग में थोड़ी अकड़न जरूर होगी, बाकी जब 2-4 बार आप करा लेंगे तो वो अकड़न भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज आती है आपने ऐसे, ये भी 20 से 25 बार करानी है आपने आराम आराम से। देखिए सारी एक्सरसाइज अगर आप कराएंगे तो मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, आधा घंटा एक घंटा दोपहर आप ये वाली एक्सरसाइज करें। जिसका अपर लिम्ब काम करता है वो लोअर की ये करें और जिसका लोअर काम करता है वो अपर लिम्ब की करें। मतलब एक्सरसाइज ही सारी एक्टिविटी लाने और सारी रिकवरी लाने का एक तरीका है। और दोस्तों देखिए फिर आती है ये वाली एक्सरसाइज, दोनों पैरों को इस तरह से जब आप खोलते हैं तो सामने वाला खोलता है पैरों को, पर आपने प्रेशर लगाना है, अंदर ले जाता है तो आपने प्रेशर लगाना है कि बंद करना है। तो इससे आप ये फील करेंगे कि आपके पेट को अंदर बाहर होने का चांस मिल रहा है। आप दोनों हाथ ऐसे सीधे करके और बाहर खोलिए तो पेट छोड़ दीजिए, और जब अंदर खींचे तो पेट खींच लीजिए, तो इससे आपको ये फीलिंग आएगी कि मैं कर रहा हूँ। ये भी 20 से 25 बार 30 बार आपने करनी है। और जब आप इसको करेंगे तो एक तो आपके पेट में जो गैस बनी होगी वो निकल जाएगी, और इसी एक्सरसाइज से अगर आप रूटीन में करते रहेंगे तो इसी एक्सरसाइज से हमारा यूरिन और मोशन का कंट्रोल भी आएगा। इसको थोड़ी देर ऐसे बंद करने के बाद
ऐसे होल्ड करके रखिए आप पेट को अंदर खींच के सांस रोक के, तो आप देखेंगे कि ब्लैडर और मोशन के पॉइंट पे आपका खिंचाव पड़ेगा, वहाँ सेंसेशन आएगी आपको। ढीला छोड़ दीजिए, फिर ऐसे करिए इसको। तो ये कंटिन्यूस आप करते रहें अपनी डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज, तो आपको नीचे के लिम में बहुत जल्दी रिकवरी आएगी। देखिए मेरे कान के नीचे से कुछ नहीं था, मैं ये सारी एक्सरसाइज मेरे डॉक्टर्स कराते हैं, मुझे बताते हैं, तो मैं ये कर करके ना आपके सामने आज यहाँ तक पहुँच गया। फिर आपने धीरे धीरे पैरों को ऐसे राइट लेफ्ट करने हैं। इससे क्या है कि पेट की साइड की मसल्स खींचेंगी और ऑटोमेटिक पेट अंदर होता चला जाएगा। दूसरा, जब आप अपने आप कर रहे हैं तब भी आपने प्रेशर लगाना है, अगर आप किसी से करा रहे हैं तब भी आपने प्रेशर लगाना है। अगर आप जैसे मान लीजिए ये राइट गया तो आप इसको उठाने की कोशिश करिए इस तरह से, लेफ्ट आया तो राइट उठाने की कोशिश करिए अपर लिम से, अपने शोल्डर के उससे, पेट के प्रेशर से। तो इससे सारी मसल्स जो हैं आपकी चेस्ट से नीचे की सारी मसल्स एक्टिव हो जाएंगी, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको करके दिखाई है। ठीक है, मेन एक्सरसाइज सारी ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोड़ देंगे। आप ये वाली भी एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज करके देखेंगे, सारी एक्सरसाइज से आपके पेट के ऊपर प्रेशर आना है और पेट फूलना, कमर में जलन होना, ये सारे सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। पैर भारी होना, पैरों में अकड़न आना, कप कप आना, अपने आप करना। देखिए मैं ऊपर के लिम से कोशिश करके ये हल्का सा प्रेशर लेके मैं ये इधर उधर डालना सीख गया। हल्का सा मेरे को प्रेशर चाहिए होता है और ये मैं सीख गया। पहले ये मेरा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं डेली रूटीन में ये एक्सरसाइज दिन में दो दो बार, तीन तीन बार कराता हूँ। तीन बार तो मेरी होती है ये एक्सरसाइज इस टाइप से। तो आप भी कराइए, जिनका लोअर लिम काम नहीं कर रहा है, मतलब कि पैर काम नहीं कर रहे हैं, जिनके नाभि से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, वो अपने अपर लिम से इनको करने की कोशिश करेंगे तो यूरिन मोशन का कंट्रोल आएगा और नीचे की पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। आप करेंगे तो आप करके मेरे को बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसी लगी। तो आज मैंने जो आपको एक्सरसाइज करके दिखाई, ये सारी एक्सरसाइज आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। जैसे आप तीन टाइम खाना खाते हैं उसी टाइप से आप तीन टाइम ये एक्सरसाइज करनी चालू कर दीजिए। रिकवरी 100% आ जाएगी और मायूस ना हो कि रिकवरी नहीं आ रही, एक साल हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया एक्सरसाइज कराते हुए, फिजियोथेरेपिस्ट से भी कराई तब भी नहीं आई। तो आप एक्सरसाइज कराते रहें, करते रहें, डॉक्टर से कराएं या अपने आप करें। और मैंने आज आपको अपनी फिटनेस का राज भी बता दिया कि मैं क्या करता हूँ जो मैं इतना फिट रहता हूँ, ऊपर वाले का शुगर है। तो आप लोग भी इसी तरह एक्सरसाइज करें और फिट रहें। और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, एक्सरसाइज करने के बाद में कमेंट्स करिएगा कि आपको कैसा फील हुआ, अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगता है तो डेली रूटीन में शामिल कर दीजिए और अच्छा 100% लगेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करें। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करें। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंच जाएं। और उन लोगों को अगर उनके पास में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, गरीब लोग हैं, परेशान हैं या कुछ नहीं पता, तो वो मेरी वीडियो के द्वारा जानकारी ले सकें और उनको कुछ हासिल हो सके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट संडे या उससे पहले। ओके, बाय।